आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि डिवाइड बाई डीएक्स कहा गया डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और कॉस ऑफ साइन एक्स है। तो भाई हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमारे पास कॉस एक्स होता, ठीक है, कॉस एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता, कॉस एक्स होता अगर हमारे पास तो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स आ जाता। लेकिन कॉस एक्स ना होके कॉस ऑफ साइन एक्स है, मतलब अंदर एक और फंक्शन है। इसका मतलब कि कॉस इट्सेल्फ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप पढ़े होंगे एफ फॉग की बात पढ़े होंगे, है ना। फॉग मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है, मतलब एफ जो फंक्शन है आउटर फंक्शन है वो जी एक्स का फंक्शन है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। तो हम लोग हमेशा इनर फंक्शन को कुछ डमी वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो लेट कर लेते हैं क्या चीज, यू इक्वल्स टू जी एक्स, तो जो एफ हो जाएगा दैट इज फंक्शन ऑफ यू, ठीक है। और ये सपोज आपने वाई एज्यूम कर रखा है तो आपका ये जो पूरा चेन हो गया कि जो एफ हो गया यू का फंक्शन हो गया और यू किससे जुड़ गया, जी एक्स से जुड़ गया, ठीक है। तो दैट इज द चेन रूल, कुछ ऐसा ही यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, आउटर फंक्शन आपका क्या है, कॉस है, और इनर फंक्शन आपका क्या है, साइन है। साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। तो हम लोग कहेंगे कि जो इनर फंक्शन आपका है साइन ऑफ एक्स, इसे आप यू एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो लेट पहले तो इसे वाई एज्यूम कर लेंगे हम लोग, देन अगेन लेट लेट साइन ऑफ एक्स दैट इज यू ठीक है। तो साइन एक्स को हमने यू एज्यूम कर लिया, तो वाई क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स की जगह पे हम लोग यू रख देंगे, कॉस ऑफ यू हो गया, ठीक है। अब चूंकि वाई यू का फंक्शन है तो हम इसे यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू यहां पे आप लिख दोगे, तो डी बाई डी यू ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ कॉस ऑफ यू, ठीक है। दैट इज डी वाई बाई डी यू इक्वल्स टू कॉस यू का कितना होता है आपका, माइनस साइन ऑफ यू, लेकिन यू आपका डमी वेरिएबल है तो इसको ओरिजिनल वेरिएबल से आप रिप्लेस करिए। यू क्या है आपका, साइन एक्स है, तो यू की प्लेस पे आप साइन एक्स रख दीजिए, तो साइन ऑफ साइन एक्स से दैट इज इक्वेशन नंबर वन, दैट इज योर डी वाई बाई डी यू। सिमिलरली यू चूंकि एक्स का फंक्शन है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स कॉस एक्स आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब हमें निकालना तो ना तो डी यू डी वाई बाई डी यू निकालना है और ना ही हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इन रिजल्ट से कैसे आएगा, जितने भी चेन बनी है आपकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स। आप अपने लिए ऐसे सोच सकते हो कि डी यू डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही यहाँ से, है ना। तो डी वाई बाई डी यू फर्स्ट इक्वेशन से कितना आया है आपका, माइनस ऑफ माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और डी यू बाई डी एक्स कितना आया सेकेंड इक्वेशन से, कॉस ऑफ एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो हो गया आपका रूल फॉलो करके, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे तो ये सब सारी चीज़ें इंटरमीडिएट स्टेप्स में आएंगी, मतलब ये सारी बीच में आएंगी, तो उस समय आप डमी वेरिएबल जब एज्यूम करोगे तो वो वैसे ही बड़ा क्वेश्चन है और डमी वेरिएबल से और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो ये तरीका सही है, ये तरीका लगाओ, आपको लगा सकते हो, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके को हम अवॉइड करेंगे, उसे लगा बिना एज्यूम किए हुए। तो देखिए वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम बस पहचानना पड़ेगा हमें कि आउटर फंक्शन क्या है और इनर फंक्शन क्या है। तो कॉस हमारा आउटर फंक्शन है और साइन एक्स हमारा इनर फंक्शन है,
किसका फंक्शन है, एक्स का। तो ये आपकी एक चेन हो गई, जैसे आप चेन का एक कड़ी हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये चेन की आखिरी कड़ी है जो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस मतलब डीवाई बाई डी एक्स जो आपका हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन विच इज माइनस साइन। लेकिन कॉस के अंदर जो भी है वो लिख दीजिए, क्या है कॉस के अंदर, साइन एक्स एन इंटू फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर एक स्टेप में हो गया। तो ये आपको इंटरमीडिएट जब भी आएगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे, इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगी, तो आप सिंपली बिना एज्यूम किए हुए करोगे डमी वेरिएबल, ठीक है।